गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस कक्षा के अंदर जो पिछली कक्षा थी अपनी, उसके अंदर अपन ने क्या बात की थी, अपन पादप कार्य की प्रथम जो स्टार्ट की थी और उसमें जो अपना जो चैप्टर था अध्याय 5 था वो अपने शुरू किया था। उसमें पादप जल संबंध नाम से जो चैप्टर, उसमें अपन जल क्या होता है, जल के गुण क्या होते हैं और जो इसके कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ होती है उनके बारे में बात की थी। उसके बाद में अपने विसरण की परिभाषा की बात की थी। विसरण की परिभाषा यह रही, ठीक है, विसरण की परिभाषा की बात की थी। विसरण, विसरण का मतलब क्या है, पदार्थ के अणु का अपनी उस अंदर से निम्न संदर्भ की तरफ गमन या गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक अपने बात की थी। और विसरण क्यों होता है बच्चों, विसरण किसकी वजह से, गति ऊर्जा, पदार्थ के अणु की जो गति ऊर्जा होती है उसकी वजह से क्या होती है, जो अपने आसपास स्थान होता है उसको ग्रहण करने की या उसमें विसरित होने की जो उसमें क्षमता पाई जाती है, इस वजह से क्या होता है, विसरण का गुण पाया जाता है। और विसरण की दर जो आगे बात होता हूँ बच्चों, विसरण की जो दर होती है, कि दर जो होती है जो पदार्थ के जो विषम की जो जो होती है वो जो सभी अवस्था होती है, पदार्थ की जो सभी अवस्था होती है अवस्थाओं में समान रूप से पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं क्या लिखा है यहाँ पे, कि विषम की दर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, विषम की दर, ठीक है, विषम की जो दर होती है पदार्थ के सभी अवस्थाओं में समान रूप से पाई जाती है। पदार्थ की सभी अवस्थाओं मतलब क्या बच्चों, पदार्थ की सभी अवस्थाओं का मतलब क्या है बच्चों, पदार्थ विसरण की दर की बात है, पदार्थ की सभी अवस्थाओं में समान रूप से, ठीक है, में समान रूप से पाई जाती है। समान रूप का मतलब क्या होगा, सब में इक्वली प्रेजेंट होती है। पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है बच्चों, पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है, ठोस होती है, ठीक है, द्रव होती है और गैस होती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विसरण की दर जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस में समान रूप से पाई जाती है, पाई जाती है। विसरण की दर सब में होती है, विसरण की दर चाहे आप गैस में कोई गैस मिला दो या पानी में पानी मिला दो, ठोस में ठोस, सब आपस में मिलते हैं, मतलब कि विसरण इनका होता है, ठीक है, अपने उच्च संदर्भ निम्न संदर्भ में विसरण होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि विसरण की जो दर होती है वो सब में, सभी में भिन्न होती है। सभी में मतलब क्या होती है, भिन्न होती है। विसरण की दर पाई तो सब में जाती है, विसरण की दर पदार्थ की सभी अवस्था में ठोस, द्रव और गैस में पाई जाती है, विसरण की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। अब मैं कहूँ यहाँ पे आप समझ गए होंगे, गैस के अंदर विसरण की दर सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद क्या होती है, ठोस में होती है, ठीक है। इस प्रकार से विसरण की दर की बात करें बच्चों, तो देखो गैस, द्रव और ठोस, गैस, द्रव और ठोस, ये इनमें विसरण की दर सबसे ज़्यादा गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। इसका एग्जांपल मैं बताऊँ, विसरण की दर से आपको एग्जांपल बताऊँ, मान लो एक कक्षा का एग्जांपल ले लो, आप एक कक्षा के अंदर, आप मान लो एक कक्षा है उसके अंदर आप दो जने हो या चार जने, चार बच्चे हैं एक कक्षा में, तो वो इजिली मूव कर सकते हैं, वो कक्षा के अंदर आराम से फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, हिल सकते हैं, डुल सकते हैं। उसी कक्षा के अंदर मान लो 100 बच्चे बिठा दिया जाए तो आप हिल भी नहीं पाओगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, जहाँ पर क्या हो गया, घनत्व ज़्यादा हो गया तो विसरण की दर कम होगी। तो यहाँ पर क्या, ठोस के अंदर क्या होता है, अणु का घनत्व ज़्यादा होता है तो देखो विसरण की दर कम होगी, यहाँ फिर थोड़ी कम है, ठीक है, और यहाँ पर जो घनत्व वो कम है तो विसरण की दर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया विसरण की दर होती है सभी में पाई जाती है, अवस्था में सभी अवस्था होती है पदार्थ की, जो ठोस दर और गैस होती में पाई जाती है, लेकिन जो दर होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, ये बात। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करें तो कि विसरण की जो दर होती है ना, मान लो किसी तंत्र में, कोई तंत्र है, तंत्र का मतलब होता है कोई विलयन जिसके अंदर एक से ज्यादा पदार्थ, कोई तंत्र में, जैसे लिखता हूँ, किसी तंत्र में एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक, ठीक है, एक हो या एक से अधिक पदार्थ के अणुओं में विसरण की दर एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। देखो ये लाइन स्पष्ट रूप से आप में दी हुई है, ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं कि यदि कोई तंत्र है, ठीक है, उसमें एक से अधिक,
एक तंत्र मतलब सिस्टम है, मतलब कोई सॉल्यूशन है कोई, है ना, तो कोई मिक्सर है, तो उसके अंदर एक पदार्थ है, एक से अधिक पदार्थ हो, तो उसके जो अणुओं की जो मूवमेंट होती है वो एक दूसरे पे निर्भर करती है। मतलब एक पदार्थ है और दूसरे पदार्थ के अणुओं की जो जो विसरण उससे प्रभावित नहीं होता, है ना, विसरण प्रभावित नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो इसमें मान लो ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, ये वाटर भरा हुआ बीकर के अंदर, और इसके अंदर अपन चीनी का घोल डालते हैं, मान लो ये चीनी का घोल डालते हैं, तो ये तो एक तंत्र बन गया, तंत्र बन गया, मतलब एक तो जल हो गया, एक एक पदार्थ तो क्या हो गया, जल हो गया, दूसरा पदार्थ क्या हो गया, चीनी का घोल हो गया, मतलब क्या दो पदार्थ हो गए इसके अंदर, दो प्रकार के जो आइटम हो गए। तो इसमें देखो जल, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि इनकी विसरण की दर, इनमें जो विसरण की दर है, इनमें विसरण की दर है वो एक दूसरे से प्रभावित नहीं होगी, इनमें विसरण की दर है वो इस पदार्थ की इससे प्रभावित नहीं, कैसे कि चीनी के घोल होगा वो चीनी के मॉलिक्यूल तो किसी वाटर की तरफ मूव करेंगे क्योंकि अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करेंगे, और पानी है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तरफ, मतलब पानी चीनी के घोल की तरफ गति करेगा, तो इनकी जो दिशा और गति है, ठीक है, विसरण की दर और जो गति है, है ना, विसरण दर और जो गति है इन पदार्थों की, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया, पानी की और चीनी के घोल से बता दिया आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं फिर आगे, तो इसमें अगली जो मैं बात बताऊँ आपको बच्चों, तो वो भी यही है कि मान लो कोई पदार्थ के जो अणु हैं उनमें विसरण की दर होती है उसके खुद के अणु से ही प्रभावित होती है, ठीक है, पदार्थ के अणु की जो विसरण की दर उसके खुद के अणुओं से ही प्रभावित होती है, इसे स्वतंत्र विसरण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण कहते हैं। देखो लाइन आपको दिख रही होगी, मैंने क्या लिखा है कि मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है तो उसमें जो विसरण की दर और जो गति होगी या जो दिशा होगी, विसरण की दर गति या दिशा जो होगी वो उसके खुद के अणुओं के द्वारा ही प्रभावित होगी। यदि उस तंत्र में कोई दूसरा पदार्थ या कोई दूसरे पदार्थ के अणु है तो उनसे वो प्रभावित नहीं होने वाली है, वो खुद की सांद्रता के अनुसार ही गति करेगी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करेगी। तो ये कह रहा है, इसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र विसरण बोलते हैं। यदि इस प्रकार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब विसरण क्या होता है, स्वतंत्र विसरण होता है, मतलब स्वतंत्र। अब समझने की कोशिश करना कि मान लो ये दो पदार्थ है, एक तो ये पदार्थ है, मान लो एक तंत्र है, ये पदार्थ है, ठीक है, इसकी इधर तो सांद्रता कम है, इधर सांद्रता ज़्यादा है, है ना, और दूसरा जो है वो मान लो ये, इसकी इधर सांद्रता ज़्यादा है, इधर कम है, तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि ये आपस में नहीं होगी कि भाई इनकी इस प्रकार सांद्रता है, किस ये अपनी जो है सांद्रता उस हिसाब से मूव करेंगे, उस गति करेंगे कि इसकी उच्च सांद्रता इस पदार्थ मान लो ए है, ये बी है, तो ए पदार्थ होगा वो इधर से इधर जाएगा क्योंकि इसकी सांद्रता इधर ज़्यादा है, इधर सांद्रता कम है, और ये बी होगा वो इधर से इसके साथ इधर अधिक है, तो ये आपस में इनका कोई है वो प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, पदार्थ के अणु अपनी ही सांद्रता से प्रभावित होते हैं, पदार्थ के अणु की जो विसरण की दर होती है या गति होती है वो क्या होती है, अपनी ही सांद्रता या अपने ही जो अणु होते हैं, ठीक है, खुद के जो अणु होते हैं उनसे प्रभावित होते हैं, खुद के ही जो अणु होते हैं उनसे, खुद के ही अणु से ही क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है, तो खुद के ही अणुओं से क्या होती है, प्रभावित होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र विसरण बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बताओ, जैसे बुक में दिया हुआ है कि अपन बात करें O2, CO2 या जलवाष्प, O2 और CO2 जलवाष्प का जो प्लांट पादप और जो वातावरण के बीच में जो एक्सचेंज होता है ना, जो पादप है, पादप तथा जो वातावरण है, वातावरण उनके बीच में एक्सचेंज होता है, जलवाष्प का क्या होता है ना, जीरो, ये वातावरण में कितनी कंसेंट्रेशन, 0.03 कंसेंट्रेशन किसकी, CO2 की होती है, 21% किसकी होती है, O2 की होती है, ठीक है, इस प्रकार जलवाष्प, तो इनका जो एक्सचेंज है वो इनके आपस में डिपेंड नहीं करता कि ऑक्सीजन कितनी है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है वातावरण में, उसका नहीं है, वो अपनी सांद्रता देखते हैं, तो इनका जो स्वतंत्र विसरण होता है वो अपनी सांद्रता के अनुसार पादप और जो वातावरण के बीच में, जो चाहे अपन ऑक्सीजन की बात करें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, फिर चाहे अपन किसकी बात करें,
जलवाष्प की बात, इनका जो विसरण होता है वो इनकी खुद की ही जो सांद्रता होती है उसके अनुसार ही इनका मूवमेंट करता है। जैसे अपन बात करते हैं तो वाष्प प्रसरण की दर जो होती है, मान लो टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है तो बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि बाहर क्या होता है, सूखा हो जाता है, अंदर पादप क्या नमी होती है, तो वाष्प जलवाष्प ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होता है वो इनकी खुद की ही जो होती है ना, जो सांद्रता होती है उसके अनुसार ये मूव करते हैं। तो ये बच्चों ये होगी आपके विसरण की दर, और विसरण की दर में कुछ दो बातें आई थी मैंने आपके साथ डिस्कस यहाँ पे की है, ऐसे कैसे आपको बुक में देर की है, सारी सारी लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, ध्यान समझना है ना, क्योंकि बुक वाले क्यों है, क्योंकि अपन को पता है कि स्कोर करना है तो अपन को बुक को ही रेफर करना पड़ेगा ना, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ वो लिखने नहीं है, समझने के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो विसरण की दर है जो प्रभावित होती है विभिन्न कारकों से हो सकती है, उनमें से कौन कौन से कारक है, पहला आता है तापमान। अब तापमान विसरण की दर कैसे प्रभावित करता है बच्चों, देखो क्या होता है कि जैसे जैसे अपन तापमान बढ़ाते हैं तो विसरण किसकी वजह से होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा की वजह से। तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है, देखो इंक्रीज का साइन है, बढ़ रहा है, ऐसे तीर लगी है मतलब बढ़ रहा है ना, इंक्रीज ऊपर तीर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अपन ने तापमान बढ़ाया तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा किसकी, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है, ठीक है, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है, बढ़ गया, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तब क्या हो जाएगा, विसरण की जो दर होगी वो बढ़ेगी, विसरण की दर बढ़ जाएगी, विसरण की दर होगी वो बढ़ जाएगी। तो तापमान इस प्रकार से इसमें प्रभावित कर, देखो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लो कोई गुब्बारा भरा हुआ है, हवा से गुब्बारा भरा हुआ, तो आपने उसका जैसे कोई कैंडल के ऊपर रखोगे तो जैसे दूरी पे, थोड़ी जैसे डायरेक्ट उसके एक्सपोज ना हो, डायरेक्ट टच में ना हो, तो दूरी रखोगे तो वो फूलेगा, फूल के वो फट जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, तापमान से क्या होता है, गैस का विसरण होता है। तो यही तो बात उतर हूँ, तापमान से क्या होता है, गैस के जो अणु होते हैं उनमें विसरण की दर बढ़ जाती है, विसरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा, मिश्रित होने वाले पदार्थ का घनत्व, ठीक है, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व की बात करें देखो बच्चों, तो क्या होगा, जो विसरित होने वाला पदार्थ है उसे घनत्व की बात करें तो विसरण की जो दर होती है, देखना याद रखना, विसरण की दर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये संबंध पाया जाता है ना, विसरित होने वाले पदार्थ की जो विसरण की दर है, ठीक है, विसरण की दर बात करें, विसरण की दर जो होती है विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि विसरण की दर घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, घनत्व ज़्यादा है, यदि विसरित होने वाले पदार्थ घनत्व ज़्यादा है तो विसरण की दर कम होगी, यदि घनत्व कम है तो विसरण की दर ज़्यादा होगी। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल बताया क्लासरूम वाला, तो क्लासरूम वाला बच्चों एग्जांपल वापस याद करो, तो मैंने क्या बताया, एक कक्षा के अंदर चार बच्चे हैं तो वो अच्छे से मूव कर सकते हैं, फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, उछल सकते हैं, ठीक है, हो गया। इसके बाद में क्योंकि घनत्व कम है ना, बच्चों से मतलब क्लास में बच्चे मतलब घनत्व डेंसिटी कम है, घनत्व कम है। अब उसी कक्षा के अंदर 50 बच्चे या 100 बच्चे बिठा दो तो आप हिल भी नहीं पाओगे इसे, ठीक है, हिल भी नहीं पाओगे, क्योंकि अब घनत्व ज़्यादा हो गया, घनत्व ज़्यादा होगा विसरण की दर कम होगी, विसरण का मतलब होता है मूवमेंट करना, गति करना, तो अब आप हिल नहीं पाओगे, घनत्व ज़्यादा हो गया
ना, घन तो ज़्यादा हो गया, बच्चे ज़्यादा हो गए, एक कक्षा में 100 बच्चे हो गए तो हिल नहीं पाओगे, पिस्टन की दर जो होगी वो कम होगी, ठीक है। इस प्रकार से तो ये तीसरा आता है इसमें विसरण दाब न्यूनता, ये प्रवणता बोलते हैं, विसरण दाब प्रवणता, विसरण दाब प्रवणता की बात करें तो विसरण दाब प्रवणता की बात करें, विसरण दाब प्रवणता के अनुसार क्या होता है कि कोई भी पदार्थ होता है वो अधिक विसरण दाब से, ठीक है, अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की तरफ गति करता है। अधिक विसरण दाब से क्या होता है, कम विसरण दाब की तरफ गति करता है, मतलब क्या होता है, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। तो यदि ये विसरण दाब प्रवणता मतलब अंतर ज्यादा है, सांद्रता में अंतर अधिक और कम मतलब जो अंतर डिफरेंस है, प्रवणता मतलब ग्रेडियंट जो है, जो प्रवणता मतलब क्या होता है, जो अंतर है ना, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा है एक तरफ बहुत कम है, तो जो विसरण दर होगी बहुत ज़्यादा होगी। अब मान लो थोड़ा अंतर है तो विसरण दर कम, तो ये कह रहा है विसरण दाब प्रवणता यदि मतलब क्या होता है, अपन पता है पदार्थ के अंदर अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की तरफ गति करते हैं, उस सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं, तो जो विसरण दाब प्रवणता जो ज़्यादा होगी तो विसरण दर ज़्यादा होगी, और विसरण दाब प्रवणता कम है तो विसरण जो विसरण दर होगी वो कम हो जाएगी। जैसे कैसे बताओ कि मान लो कोई पदार्थ है, यहाँ पर उसके 100 मॉलिक्यूल है, 100 अणु है, और यहाँ पर कितने 5 अणु है, तो ये क्या है, इधर से 100 से किधर 5 की तरफ बकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 95 बहुत फास्ट, ये क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 95 है, ठीक है, और यहाँ पे 93 है अणु है किसी पदार्थ की, तो जो विसरण की दर होगी थोड़ी इसकी तुलना में स्लो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब तक जो इक्विलिब्रियम होगा, साम्यावस्था होगी, जब तक इसमें विसरण की दर होती रहेगी, ठीक है। तो ये बात जो इसको विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात अपने बात करी है, ठीक है। अब जो बच्चों बात करते हैं अपन, देखो अब बात करते हैं विसरण का महत्व क्या है, ठीक है। पादपों में अपन बात करें, पादपों में विसरण का क्या महत्व है, ठीक है, देख लो एक बार ना। पादपों में विसरण का महत्व, ठीक है, पादपों में विसरण का महत्व, पादपों में विसरण का महत्व की बात करें तो O2 एंड CO2 गैसों का पादप तथा वातावरण के मध्य आदान प्रदान है ना, फिर O2 और CO2 गैस का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, किसके बीच में, किसके बीच में, पादप और वातावरण के मध्य जो आदान प्रदान होता है वो किससे होता है, विसरण के द्वारा होता है। दूसरा, जल वाष्प का विसर्जन जो होता है, जो रिलीज होता है ना, रिलीज ऑफ द वाटर वेपर, जो जल वाष्प होती है ना, उसका जो वातावरण में जो रिलीज होता है, पादप से जो रिलीज होता है वो किसकी वजह से होता है, जल वाष्प का जो विसर्जन होता है ना, जो रिलीज होती है वो किसकी वजह से होती है, डिफ्यूजन की वजह से होती है। तीसरा, खनिज
तत्वों का निश्चेष्ट, निश्चेष्ट बोल दो पैसिव, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अवशोषण। ठीक है, निश्चेष्ट का मतलब क्या हो गया कि जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, पैसिव, निश्चेष्ट का मतलब पैसिव। तो देखो इसमें खनिज तत्वों का निश्चेष्ट जो जड़ से क्या होता है, मूल से अपन बात करें तो मूल से जो खनिज तत्वों का जो अवशोषण होता है, को जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ना जो तत्व होते हैं, ठीक है, तत्व खनिज तत्व होते हैं, तो मिनरल्स होते हैं, है ना जो खनिज तत्वों का अवशोषण होता है वो किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है। तो खनिज तत्वों का जो अवशोषण है वो किसकी वजह से, विषण की वजह से ही होता है, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वो गति करता है, क्योंकि बाहर जड़ के बाहर उनकी खनिज तत्वों की सांद्रता ज़्यादा होती है और मूल के अंदर खनिज तत्वों की सांद्रता कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि जो अवशोषित करते हैं वो जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो ऊपर होते ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होती है, कमी बनी रहती है जड़ के अंदर तत्वों की, तो तत्वों की जड़ बनी, तो उनके पेशी अब्जॉर्प्शन इनका होता है वो किसके, विसर्जन की वजह से होता है। क्यों, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, और जल का जो विसर्जन होता रहता है ना, जल का जो वाष्प के रूप में जो जल वाष्प का जो विसर्जन होता है पादप से, है ना, वो किस प्रकार से होता है, इसी डिफ्यूजन की वजह से ही होता रहता है। ठीक है, तो बच्चों ये था अपना विसर्जन। ठीक है, विसर्जन की बात की अपन ने, जो विसर्जन है ये हो गया है अपना। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अपन दूसरा जो पॉइंट आता है पारगम्यता। पारगम्यता, ठीक है, परमिएबिलिटी, पारगम्यता क्या होती है, कुछ झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का जो आदान प्रदान, इसी गुण को क्या बोलते हैं, पारगम्यता बोलते हैं। ठीक है, मान लो कोई ये झिल्ली है, मान लो ये एक झिल्ली है, क्या है, झिल्ली। ठीक है, तो झिल्ली के माध्यम से मान लो कोई पदार्थ इधर आ रहा है, कोई पदार्थ क्या हो रहा है, इधर जा रहा है अपनी सांद्रता के अनुसार, तो झिल्ली के माध्यम से, ठीक है, झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का जो आवागमन होता है ना, आदान प्रदान होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से ना, तो जो झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं, पारगम्यता बोलते हैं। पारगम्यता के आधार पर बच्चों झिल्लियाँ जो होती है चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है झिल्ली, कितने प्रकार की होती है, पारगम्यता के आधार पर झिल्ली कितनी, चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। पारगम्यता के आधार पर जो झिल्ली होती है कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। ठीक है, पहले देखो पारगम्य झिल्ली, दूसरी अर्ध पारगम्य, आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली बुक में तो ग्राफ दे रखा है, पूरा पैराग्राफ दे रखा है, तो आप इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली, तीसरी चयनात्मक या विभेदात्मक झिल्ली, और जो चौथी की बात करें, चौथी बात करें तो क्या हो जाएगा, अपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियाँ होती है बच्चों कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। तो अब आगे की कक्षा के अंदर हम झिल्लियों के बारे में पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई झिल्लियाँ होती है चार प्रकार की होती है, पारगम्यता का आधार, पारगम्यता क्या होती है मैंने बताई, पारगम्यता के आधार पर झिल्लियाँ चार प्रकार, इन चारों का जो वर्णन अपना आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।